हाउसिंग कॉलोनी में बढ़ते अपराध को लेकर एसपी ने सख्त आदेश दिए कार्रवाई के लिए। दरअसल मामला भिंडी जिले के हाउसिंग कॉलोनी का है, जहां कोचिंग सेंटर के बाहर कुछ असामाजिक तत्व वारदात करने के बाद में भाग जाते हैं। जब यह मामला भिंड एसपी मनोज सिंह को मैसेज के द्वारा बताया गया तो एसपी साहब ने जिले के आला अधिकारियों को सूचना दी। वहीं आज भिंड में एसपी साहब के आदेश के अनुसार फ्लैग मार्च निकाला गया और सभी कोचिंग सेंटर वालों से कहा गया कि यदि असामाजिक तत्व खड़े होते हैं तो हमें फोन करें। साथ ही ट्रैफिक प्रभारी नीरज शर्मा के द्वारा आज जबरदस्त कार्रवाई की गई। असामाजिक तत्वों को ट्रैफिक प्रभारी के द्वारा पकड़कर थाने में पुलिस ले गई और कुछ लोगों को कान पकड़कर बैठक भी लगवाई। जिले के आला अधिकारियों एडिशनल एसपी सीएसपी सिटी कोतवाली टीआई के द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। वहीं भिंड जिले में अगर इसी तरह पुलिस कार्रवाई करती रही तो कहीं न कहीं भिंड में गुंडागर्दी का नाम खत्म हो जाएगा। असामाजिक तत्व जो अवैध तरीके की हथियार लेकर घूमते थे, पूर्व में वही मनोज सिंह भिंड के आला अधिकारियों को सख्त आदेश दिए और कहा कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। हाउसिंग कॉलोनी में किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो वहां जो कर्मचारी लगाए गए हैं उनके खिलाफ की जाएगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जब तक भिंड जिले में मैं हूं, तब तक कोई भी हाउसिंग कॉलोनी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। यदि ऐसी कोई समस्या आती है तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। फ्लैग मार्च पुलिस के द्वारा निकाला गया है, जिसमें सीएसपी साहब है और दोनों थाना के थाना प्रभारीगण है। मैं बल्कि पूरे शहर में मार्च किया गया है। इसमें एक निर्भीक वातावरण पैदा करने के लिए, लोगों के बीच में एक निर्भीक वातावरण आए, इसके संबंध में फ्लैग मार्च निकाला गया है। और जो भी असामाजिक तत्व है, किसी प्रकार की कोई घटना घटित न कर पाए, इस संबंध में एक संदेश देने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। कुछ लोगों को असामाजिक तत्वों को पकड़ा भी गया है, इस तरह की कार्रवाई, ये अभी बीच में कुछ लोग मिले हैं, अभी पूछताछ की जाएगी कि आखिर ये किन कारणों से घूम रहे थे। जैसे कोचिंग संस्थान के पास में कुछ बच्चे मिले हैं, तो चूंकि अभी पूछताछ करके उनके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा और समझाया जाएगा। ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ये अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।